जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। वीडियो पर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हम वीडियो लेकर आए हैं गाज माता की कथा। एक राजा और रानी थे, उनके संतान न थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मेरे हलवे की कढ़ाई करूँगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया, रानी के लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल ही गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था, तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भीलनी जंगल में घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े धोता था और भील भीलनी के भी धोता था। वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठा कर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने भी तो माता की हलवे की दो कढ़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसीलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा लौटा दो, मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूँगी और गाज माता खूब धूमधाम से उजमन करूँगी। तब गाज माता ने उसका लड़का वापस ला दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उजमन करें। गाज माता ने जैसे ही रानी को लड़का दिया, वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसा सबको दें। तो ये थी कहानी गाज माता की। दूसरी कहानी भी हम लेकर आएंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे रिलेटेड गाज माता की और भी कहानियाँ हैं अगर आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।